बोला तुम योग कमाओ, अरे भोग तो सारी ये जो है ब्रह्मा से चीटी तक सब जो है वो भोग में ही है, पिछाड़ी तक भोग में ही मरेगा, आया भी सुख के लिए था जाएगा भी सुख की इच्छा लेके। लेकिन तुम असंसारी बनो, असंसारी का मतलब क्या है तुम ही बताओ। ये जो सब शास्त्र है वेद है वो त्रिगुणी मई माया का विस्तार करता है, माना तीन गुण सत्वगुणी ये कर्म है, रजोगुणी ये कर्म है, तमोगुणी ऐसा कर्म है। तुम सत्वगुणी कर्म करेगा तो ये मिलेगा, रजोगुणी करेगा तो इधर जाएगा, तमोगुणी करेगा तो कीट पतंग में जाएगा, फलानी जून में जाएगा। ये सब जो भी तीन गुण की विस्तार है वो सब वेदों में है। ये सब दवाइयां, ये साइंस, ये वनस्पति कैसे होना चाहिए, सब वेदों से आती है विद्याएं। तो वेद में से बाहरी विद्या सब है, दुनिया की स्वर्ग की विद्या, लेकिन मुक्ति की विद्या जो है वो खाली 4000 श्लोक है। यथार्थ ज्ञान, आत्मा का ज्ञान 4000 श्लोक में, बाकी लाख श्लोक से 80000 तो कर्म कांड है, क्योंकि दुनिया का सब आदमी तो ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वाला नहीं है जो ये ज्ञान समझे। बाकी सबके लिए 80000 श्लोक है, दुनिया के आदमी के लिए जो गिरे पड़े है बिल्कुल उसके लिए अच्छा है वेद का शास्त्र। भाई ये शास्त्र पढ़ के सत्कर्म करेगा, भक्ति करेगा, दान करेगा, ठीक है फिर भी। लेकिन जो इधर आता है उसके लिए खाली 4000 श्लोक है मुक्ति के लिए। और गीता यथार्थ ज्ञान सुनाती है, ऐसा नहीं समझना रोचक और भयानक बात बताती है। गीता में कोई रोचक भयानक बात ही नहीं है। कभी लिखा पड़ा है तुम मर्द है तो तेरा ये फर्ज है, तुम स्त्री है, तुमने शादी किया, तुमने बच्चा किया, तुम्हारा ये फर्ज है, ये धर्म है, ये ड्यूटी है, कुछ लिखा पड़ा है? वेद में सब है, शादी करो तो ऐसा चलना, पतुरता स्त्री ऐसा करे, गर्भवती स्त्री ऐसा चले, फलाना ऐसा करे, तुम जब भी पूजा करो तो इस अंगुली से तिलक देना, इससे नहीं देना, इससे देना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, हजारें बातें उसमें भाई लिखी पड़ी है विधि। लेकिन जो ज्ञानी है उसके लिए कोई विधि और निषेध है ही नहीं, कोई भी उसके लिए ज्ञानी के लिए कुछ नहीं है भाई ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कोई ज्ञानी के लिए कायदा ही नहीं है। लॉ कैन ब्रेक द लॉ, ज्ञानी जो है वो प्रेम में रहता है उसके लिए कोई कायदा नहीं है, और तुम जो जीव भाव में रहता है तुम्हारे लिए कायदा है ऐसा करना ऐसा नहीं करना, तुम्हारे लिए सब है। बेचारा सारे दुनिया में मुंझ गया मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन गुरु तो छुरा देता है भाई कुछ नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, कितना अच्छा है और कितना सरल है, तुम छूट गया सभी बंधनों से, चल कुछ न करी बस। गुरु से किसी ने पूछा अभी मैंने साईं ज्ञान समझा है, आपने आत्मा का ज्ञान दिया, अभी मैं क्या करूं कैसे चलूं दुनिया में जाके कैसे चलूं, गुरु ने बोला जाके मरो, चलो नहीं पर मरो। गुरु ने मरना सिखाया और तुम चलना सीखता है, अभी बच्चा है चलना सीखता है, मरना तुमको याद नहीं है। अभी मैं कैसे चलूं, कैसे स्त्री से चलूं, कैसे बच्चे से चलूं, कैसे धंधा करूं, कैसे ये करूं, मेरे को समझाओ अभी मैं कैसे चलूं। चलो अड़ी चलो क्या, अभी मरना है या चलना है दुनिया में, तो जीते जी मरना सीखो अभी, तभी तुमको ये यथार्थ वचन से ही तुमको ज्ञान आएगा। बाकी जो भी सब चीजें वेदों में लिखी पड़ी है वो कर्म कांड भक्ति है सब कुछ है, उसमें तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, शांति खाली यथार्थ वचन ज्ञान से मिलेगी। तो तुम असंसारी बनो, निष्काम बनो, योग और खेम की चाहना नहीं रखो। तुम सब जो बैठे हो योग खेम की चाहना रखने वाला है, भगवान मेरे को ये देना, पीछे मैं तुम्हारे रास्ते पढ़ाऊंगा, मेरा ये व्यवहार सीधा करो, मेरा ये करो, मेरा ये काम करो, पूरा करो भाई, जो अपना पता है वो मेरे को दियो और खेम माना उसकी सलामती कर दो। तो बोलते है तुम अर्जुन तुम ये भी इच्छा नहीं करो कि मेरे को योग और खेम की कोई सलामती भी करे, जब योग खेम न चाहने वाला बनना, टोटली निष्कामी, बिल्कुल भगवान से भी कुछ नहीं मांगना, तो भगवान मेरा ये काम करो, भगवान मेरी ये सलामती करना, भगवान मेरे को ऐसा देना। तो कितना उसको निष्काम सिखाता है भगवान, सारी गीता में निष्कामता के ऊपर जितना जोर है उतना किसी बात पर भी जोर नहीं है, जाके देखो निष्काम निष्काम हर एक उसमें श्लोक में निष्काम, और निष्काम ही मुक्त है, सकाम ही बंधन में है। और दो अध्याय में स्तर प्रज्ञा का पढ़ो, फिर आगे चल के पढ़ो ज्ञान, ज्ञान में जो है तो देखो सब एक ही है, सब एक ही है, सच्चा भगत सच्चा ज्ञानी सच्चा निष्कामी एक ही बात है। तो सच्ची भक्ति निष्काम भक्ति बताया है, सकामी भक्ति नहीं। तो
प्रेम सहित जो ज्ञान है, प्रेम सहित ज्ञान, ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भक्त मेरे को प्यारा है। चौथे अध्याय में ज्ञानी भक्त का मतलब क्या है? एक जिज्ञासु, एक ज्ञानी भक्त, ज्ञान भी होवे लेकिन भक्ति माना प्रेम, सर्व के लिए प्रेम। ऐसा नहीं एक किसी के लिए प्रेम, एक के लिए प्रेम रखेगा तो ये फिर तमोगुणी ज्ञान हो गया। तमोगुणी ज्ञान माना एक ही व्यक्ति में एक ही जगह तुम परमात्मा को देखो, ये बिल्कुल अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, भगवान गीता में बोला है। तो भक्ति भी माना क्या है? एक पढ़ा भक्ति बोला है, अन्य ने भक्ति बोला है, ये तो सच्ची भक्ति है ना, ये तो ज्ञान ही है। तो ज्ञान और भक्ति में कोई फर्क नहीं है। ज्ञानी भक्त, ज्ञान है तुम्हारी समझ, अभी ये शरीर मिला है भक्ति के लिए, प्यार के लिए। सर्व को आत्मा समझ के तुम प्यार करेगा, यही पूजा है, बोलता है ये पूजा है। ज्ञान यज्ञ से ये पूजन करता है मेरा, भगवान बोलता है। जो एक एक में आत्मा देख के और सबको ऐसी आत्मा के तरह देख के प्रेम की भावना रखता है, राग और द्वेष नहीं करता है किसी से, वो जैसे मेरे को ही बजता है, कैसे भी वर्तता हुआ मेरे में ही वर्तता है। उसको याद ही मैं हूँ, वासुदेव सर्व है, जिसने देखा तो कैसे नहीं भक्ति करेगा, वही तो अन्य भक्ति है, वही तो पढ़ा भक्ति है। तो सच्ची भक्ति सिखाया है, कोई झूठी भक्ति जैसे तुम करते हो दुनिया में, ऐसी भक्ति नहीं सिखाया भगवान ने। भगवान मेरे को ये देना, भगवान मेरे को ये देना, सकामी भक्ति नहीं, निष्काम। तो पहले पहले उसको बोलता है दूसरे अध्याय में, तुम निष्काम हो जाओ और योग खेम को नचाने वाला बनो। कितनी बड़ी बात है, तुम कभी भी किसी के सलामती के लिए नहीं भगवान को बोलो, भगवान इसको सलामत रखना, भगवान मेरे बेटे को बीमारी से छुड़ाना, भगवान मेरे इसको पास करना। तुम्हारे अंदर सकामी भाव लगा पड़ा है, रात दिन मैं और मेरा कैसे सुखी रहूं, उसके लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। भूल से भी तुम्हारे अंदर से नहीं निकले, मेरी बीमारी उतारो, मेरे फलाणो ऐसा करो, मेरे बच्चे को ऐसा करो, मेरे को धन दियो, मेरे फलाने को ऐसा करो, ये योग और खेम तुम कहां बुलाता है, बुलाता है। तुमको तो ये योग और खेम चाहिए, इच्छा है। अर्जुन को बोलता है इच्छा मत रखो योग और खेम की, कितना निष्कामी बनाता है, स्वर्ग के इच्छा से भी ऊपर चढ़ाता है अभी भगवान अर्जुन को। वो ही क्लास है मुक्ति का क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, तमाम एन भी है। जेता कहिए ते पा विख्या ने, सुनिए जो पीछे हुआ वो पहले को कैसे जानेगा? पहले महर्षि था, पीछे वेद हुआ ना, तो वेद कैसे महर्षि को जानेगा? भगवान भी गीता में बोला है तो भाई ये वेद जो मैं जो हूँ मूल कारण हूँ, तो देवता और ऋषि और मुनि भी मेरे को नहीं जानता है, क्योंकि मैं उनका आदि कारण हूँ। दस अध्याय का पहला श्लोक, ऋषि मुनि ये जो देवताएं हैं, मैं ऋषि देवताएं मेरे को नहीं जानता है, क्योंकि मैं उसका आदि कारण हूँ, मैं पहले हूँ पीछे हूँ सब है। ऐसी तरह से वेद पीछे हुआ, पहले संत आया, पहले ऋषि आया, पीछे वेद लिखा गया। तो ऋषि बड़ा या वेद बड़ा? ऋषि को तुम जानेगा तो वो बड़ा है, वो कितना ऊंचा है और वो कितना सागर के तरह गंभीर और डीप है, और वेद जो है वो हद के अंदर है, तुम वेद को जान सकता है। लेकिन संत को जानने के लिए तुमको मरना पड़ेगा, पहले तुमको इतना बड़ा होना पड़ेगा संत जितना, संत के संग में रह के जब भी तुमको पंख लगेगा तो तुम भी उड़ेगा। शेर के पास बकरियों, शेर का बच्चा बकरियों के संग में जाके बैठा, बे 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 करने लगा। जब बड़ा शेर आया तो उसको कान में बोला, रहे तुम भी शेर है मैं भी शेर हूँ, आओ तो तालाब में तुम अपनी शक्ल भी देखो मेरी शक्ल भी देखो। जब उसको पता लगा बराबर मैं शेर हूँ, तभी गजगोड़ किया। ऐसी तरह से तुम सब बकरियों के संग में बैठे, तुम्हारे मित्र मैट दुनिया जो भी है वो बकरियों का संग है। बे बे मैं करता है, बे 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 करता है, मैं फलाना हूँ तुम फलाना है, मैं फलानी हूँ तुम फलाना, बस फलाना और फलानी, मैं ऐसा करता हूँ तुम ऐसा करता है, मैं और तुम, बस ऐसी दुनिया में, द्वैत की दुनिया में, त्रिपुटी की दुनिया में तुम रह पड़े हैं। बेबे बकरी का काम करते हैं, डरते हैं, मरते हैं, जलते हैं, सड़ते हैं, दुनिया से डरते हैं, उससे डरा बकरी की तरह। जब शेर गुरु मिलता है तो शेर शिवम उसकी गर्जना कराने से कहता है, तुम डरता किसे है,
याद किसका, डर किसका, मरता क्यों है, जलता क्यों है, सड़ता क्यों है, तुम तो शेर है, शेर का औलाद शेर ही होता है। तो गुरु के संग में हम रह के और शेर की गर्जना सीखते हैं। शेर गुरु सभी से डर से, सबके डर से ऊपर चढ़ाते हैं, मौत का डर भी नहीं, किसी भी बात का डर नहीं, निर्भय निर्भय पद बरसाए। गुरु ऐसा चाहिए जो निर्भय पद बरसाए, निर्भय पद में खड़ा करेगा, किसी का भी डर नहीं। हाँ, जैसे बड़ा जलाशय किसको मिल जाए, तालाब मिल जाए, तो छोटे छोटे तालाब में जाएगा क्या? तुम्हारे घर में अगर नलका है तो तुम बाहर जाएगा क्या? ऐसी तरह से जिसको अंदर में शांति है, आनंद है, आत्म साक्षात्कार जिस